जय सिया राम प्रेमी भक्तों, हरि भक्तों को मेरा प्रणाम। भक्तों, भक्ति के लाभ, आखिर भक्ति के लाभ किस प्रकार के होते हैं और कैसे होते हैं, तो कुछ गिने चुने हैं 5 लाभ जो मैं आपको बताता हूँ। ध्यानपूर्वक सुने कि सर्वप्रथम कि संस्कार, अर्थात संस्कार ऐसा गुण है जो आपके माता पिता द्वारा आपको प्राप्त होता है। संस्कारों के बिना भक्ति लगभग संभव नहीं होती है, क्योंकि भक्ति एक ऐसा अर्जित गुण है जो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता है। ये भावना भक्ति की, ये आपको माता पिता से भी मिल सकती है, आपके भाई बंधु से भी मिल सकती है, किसी से भी मिल सकती है, मगर ये एक अर्जित गुण होता है, उसमें संस्कार होना बहुत आवश्यक है। जिसका आधार संस्कारों से बना होता है, उसकी भक्ति भी काफ़ी सुदृढ़ होती है, वे अपना मार्ग नहीं भटकता। दूसरा कि निर्गुण और सगुण भक्ति अगर आप कोई भी करते हैं, दोनों प्रकार में से कोई भी प्रकार की भक्ति आप करते हैं, तो आपको निश्चित ही प्रभु दर्शन संभव है। इसमें कोई दोराय नहीं है कि अगर आप मूर्ति पूजा या आप मूर्ति पूजा करके कर रहे हो तो आपको नहीं मिलेगा, आपको केवल ये है कि एक जगह बैठकर या आप उस चीज़ को जपो करो, तो ये बातों में इतना दम नहीं है। क्योंकि आप चाहे निर्गुण भक्ति करें चाहे सगुण भक्ति करें, आपको निश्चित ही प्रभु दर्शन बिल्कुल होंगे। क्योंकि इसका एक उदाहरण मैं बताता हूँ कि रामानंद जी महाराज, जो कि एक सगुण भक्त थे, जो श्री राम को पूजा करते थे, उनका नाम जब भी राम ही था, वो राम ही नाम देते थे। उनके भक्त हुए कबीरदास जी, जिसने निर्गुण नाम को पकड़ा, अर्थात राम यानी दशरथ पुत्र राम को नहीं, जो इस पूरी सृष्टि का जगत करता राम है, उसे पकड़ा। तो आप इसे जान सकते हैं, वैसे ही रविदास जी महाराज और काफ़ी संत भी उनके शिष्य थे, मीराबाई भी इनकी शिष्य थी रामानंद जी की। तो अब तीसरा लाभ यह है कि सकारात्मक ऊर्जाओं का संग्रह आपके शरीर में होगा। इसमें अर्थात जब भक्ति मार्ग पर आप चल पड़ते हैं, तो आपको स्वयं को लगने लगता है कि मेरे अंदर कुछ ऐसी चीज़ आ गई है कि मैं कुछ भी मांगूँ तो स्वयं हो जाएगा। और वैसा ही होता, आपका ऑरा इतना तेज हो जाता है, आपके चेहरे पे बहुत तेज आ जाता है और आपकी सकारात्मक ऊर्जा बहुत ही अच्छी हो जाती है, यानी उसका फैलाव चारों तरफ होता है। आप जिस जहाँ पर भी जाएंगे, आप ये ऊर्जा लोगों को भी देते जाएंगे और आपका प्रभाव बहुत तेज होता रहेगा। चौथा लाभ ये होगा इसमें कि अगर आप जिस भी चीज़ बुरे आदमी, बुरी प्रवृत्ति के आदमी के बीच में भी बैठेंगे, आपका पॉजिटिविटी एरिया रहेगा, तो वो आपके संपर्क में आते ही वो आपकी सकारात्मक ऊर्जा लेने की कोशिश करेगा, अर्थात उसके नेगेटिविटी दूर होने की कोशिश करेगी। अर्थात आप जिस जगह भी जाएंगे, जहाँ बैठेंगे, लोगों से बात करेंगे, तो आपके बात के लहजे से मतलब चल जाएगा कि आप में कितना ज्ञान है, वो आपको कहाँ, आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस बात पर मौन रहना और किस बात पर तर्क देना है। तो आपकी सकारात्मक ऊर्जा इतनी अच्छी होगी कि आप उनसे लोग जुड़ते जाएंगे। पांचवा ये है कि प्रभु दर्शन संभव है, बिल्कुल संभव है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भक्ति मार्ग पर आप चलते हैं तो आपको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 50 साल बाद भी संभव है। बस बिल्कुल संभव है। आप ये मत सोचो 50 साल बाद भी, मगर समय लग रहा है, मगर आपको मिलेंगे तो सही कि मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। और जब भी आपको वो साक्षात प्रकट हो जाएगा, तो आप समझ लीजिए कि आपकी नैया पार हो गई। तो भक्तों, ये भक्ति के कुछ लाभ थे जो हमने आपको बताए। तो आप बताएं कमेंट सेक्शन में कि वीडियो कैसा लगा और
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय सियाराम, आपका सहयोगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय सियाराम।